वाहिगुरू स्वस्ति श्री गुरु नानको विजयते वंदे गुरुम नानकम गोप्यो हम गुरु नानकेन सततम श्री नानकाय ओम नमः। नान्यो मे गुरु नानकाद गुरुवरः श्री नानकस्यास्मि हम दासः सद्गुरुनानके मम रतिः त्रायस्व माम नानक यो वंद्यः खलु पापनाशन परो धेयो जनैः सर्वदा श्लाघ्यो वै भुवि पंडितैश्च सुखदो धीदोषः धर्मदः भक्तानामपि वाञ्छितादिफलदः श्रद्धावतां धीमतां वंदे तं गुरुनानकादिरचितं ग्रंथसाहबं पावनम। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराए हे तेहा हो करीब क्यान। पतत पावन भगत वच्छल साहिब कमाल चवर छत्र तख्त दे मालक सतगुरु धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी विच ऐस पावन धरती ते मांडी दी धरती ते अज दे पावन महान समागम दे अंदर स्टेज ते बहुत ही सत्कारत हस्तियां मायनाज हस्तियां परम तपस्वी विद्वान महापुरुष विराजमान ने आप जी नू बहुत ही सत्कार ते आनंद ते भावना दे सहित महापुरशा ने अज जिन्हां दे बाबत आपां बैठे हाँ जगत जलंधे दे तारनहार जगत गुरु धन गुरु नानक जाहर पीर जगत गुर बाबा सतगुरु जी का जो पावन प्रकाश पर्व है उस दे संबंध विच अते सतगुरु जी दे फरजंद महान तपस्वी परमवीर राग भगवान श्री चंद्र महाराज जी दे अवतार दिहाड़े नू समर्पित जो महान समागम बहुत ही हरमन प्यारे महान मूर्ति श्रीमान संत बाबा गुरविंदर सिंह जी मांडी वाले महापुरशां ने हर साल की तरह यह समागम आरंभे सन। इन्हां दे अंदर बहुत ही महान हस्तियां स्टेज ते विराजमान ने अमृत वेले तो आप जी ने प्रवचन सरवण किते सिख पंथ दे महान विद्वान सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा हरी सिंह जी रंधावे वाले महापुरश बैठे ने जिन्हां तो आप जी ने हुणे अमृतमई बचन सरवण किते महान हस्ती महान विद्वान श्रीमान संत ज्ञानी बंता सिंह जी वह भी बैठे ने कार सेवा वाले महापुरश निहंग सिंह जथेबंदियां दे सत्कारत महापुरश सत्कारयोग इत्थे बैठे ने आप जी ने बहुत अमोलक बचन अमृत वेले तो सरवण किते बाबा श्री चंद महाराज जी दे बाबत जेड़ियां कोई साढ़े अंदर समय दे लिहाज नाल ऐस महान प्रभु पिता परमात्मा दे जो सरगुण अवतार आउंदे ने उहनां नूं समझण विच कुताही हो जांदी है असीं समझ नहीं पाउंदे साडी बुद्धि पकड़ नहीं पाउंदी जिस दे कारण असीं उहनां ते कई प्रकार दीआं शंकावां विच ग्रस्त हो जांदे हाँ। उहनां शंकावां दी निवृत्ति भी सत्कारयोग ज्ञानी बंता सिंह जी ने आप जी नूं प्रमाणा दे सहित दसी है। इतिहास तों आपां जाणू है कि जदों धन गुरु नानक साहिब जी की आमद हुई है उदों संसार की हालत की है तो संसार दे विच परमात्मा जदों भी आउंदा है उदों यही हालत हुंदी है तां ही परमात्मा नूं आउणा पैंदा है। गुरु नानक साहिब जी दे आउण दा भी उही कारण है तो हर युग दे विच परमात्मा दे आउण दा भावें उह किसी भी रूप में परमात्मा आवे कारण तो एक ही है
वह हरेक आपां नूं शास्त्र विच्चों हरेक ग्रंथ विच्चों हरेक महापुरख की रसना तो आपां नूं पता चल जांदा है कि कारण की है परमात्मा दे प्रगट होण दा। आपां शरीर वल ना तकीए, आपां बाहरी क्रिया वल ना देखिए, क्योंकि यह जो संसार का नियम है ना वह साडे ते घटदा आ, संसारी जीवां ते घटदा आ। प्रभु पिता परमात्मा दे उत्ते ओ असी अपने संसारी नियमां नाल देखांगे घटावांगे ते फिर ते सानू साडे वर्गे ही दर्शन होणगे, साडे वर्गा ही दिखेगा। ते ओहो ही कारण है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारथ अभ्युथानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनां विनाशा च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। परमात्मा दे आउण दा कारण एहो ही है कि जदों संसार विच अधर्म वध जांदा है, अधर्मी पापी दुष्ट लोग अत्याचारी जालम लोग वध जांदे ने, उन्हां जालमां दा खात्मा नाश करना ते धर्म नूं दुबारा संस्थापन करना, ते जिहड़े महापुरख प्रभु दे प्यारे बंदगी वाले उन्हां दी रक्षा करना, ये जिहड़े कारज आ इन्हां कारजां वास्ते वो प्रभु किसी ना किसी रूप में प्रगट हो जाते ने। प्रगट ऐसे तो वह हर थां ते जर्रे जर्रे विच है, पहले भी ये नहीं कि पहले नहीं है तो हुण प्रगट हो गया, पर कोई विशेष जिहड़े ये कारज दसे ने ना इस वास्ते प्रभु किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं, प्रगट हो जाते हैं। फिर वह रूप भी विलक्षण ही होंदा आ। आपां पिछले युगां विच देख लो तो कितें नरसिंह रूप हो करके आ जाते ने, तो फिर आपां जदी बाहर वाली किरिया देखांगे तो फिर आपां नूं लगेगा भी यह परमात्मा है। विशेष कारज है, थोड़ी देर वास्ते ही आए ने पर नरसिंह रूप धारण कर लिया। इसे प्रकार जदों भी कितें जरूरत पई है किसी मच्छ अवतार किसी कच्छ अवतार समय की जरूरत नूं, हुण उत्थे ते बहुते नूं शंका हो जाणी है भी परमात्मा मच्छ अवतार भी हो सकता कच्छ अवतार भी हो सकता, आपां ते जो साडे वर्गा आकार है उन्हों ही नहीं मन रहे तो दूसरे नूं आपां कित्थों मन्नांगे। है तो परमात्मा का अवतार है, इहदे च कोई संशय नहीं है, ये सब स्पष्ट है। जदि ऐसा ना हुंदा तो कलगीधर पातशाह 24 अवतारां की कथा बयान ना करते। पातशाह दे बचन प्रमाणिक हन कि नहीं, उन्होंने 24 अवतारां की कथा वर्णन की है। इस प्रकार ये भी एक बड़ी रहस्य वाली गल है कि आपां भटक जाने हैं, समझते नहीं कि जदों परमात्मा ने किसी कार्य की पूर्ति वास्ते अवतार धारण किया है तो वह किसी ना किसी तरह का आकार बना के ही प्रगट होएगा। धन गुरु नानक साहब जी की आमद होई है, उन्होंने जिहड़ा कार्य आरंभिया बहुत विस्तार नाल आप जी नूं ज्ञानी जी सुना रहे सन, उन्होंने जिहड़े कार्य की पूर्ति करनी है उस कार्य की पूर्ति दे विच ही उन्होंने एक होर शक्ति प्रगट की है। उन्हां दी अपनी शक्ति है, अपना अंश है, परमात्मा दे सारे अंश हन ना, वैसे तो सारा संसार ही परमात्मा का अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, वैसे जड़ा सारा संसार है ये जीव दिस रहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मईव न परह, वैसे तो सारा संसार ही उसकी अंश है। यह ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव भी तो ईश्वर की अंश है, जिमें दस रहे सन ना कि यह सारी गुरु नानक की फुलवाड़ी है, गुरु नानक का अंश है। तो जो अंश होंदा है ना वह अंशी नालों अलग नहीं होंदा, ये भुलेखा आपां नूं पै गया। जे अंश नूं मिला के ही अंशी बनता आ, जो आपां पत्ते टाणियां फल फुल सारे गिणीए तो सारे दे नाम रुख होंदा आ, कल्ले दा ना रुख नहीं होंदा। पर जे कहीए भी जड़ नालों
ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਣੀਆਂ ਪੱਤੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਯ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਪਕੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ। ਹੁਣ ਜਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਜਾਣ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਰੂਪ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਦੋ ਰੂਪ, ਕਾਰਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ, ਪਰ ਜਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਕਿਹਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਏਕੋ ਹਮ ਬਹੁ ਸਿਆਮ ਪਰ ਜਾਈਏ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਦੈਛਤ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਈਕਸ਼ਣ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਵਈ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਤਮਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਭਾਵ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਜਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਇੰਦਰੇ ਫਿਆਪਰਾ ਹਿਰਥਾ ਹਿਰਥੇ ਭਿਸਚ ਪਰਮ ਮਨਹ ਮਨਸਸਤੂ ਪਰਾ ਬੁੱਧੀ ਬੁੱਧੇਰ ਆਤਮਾ ਮਹਾਨ ਪਰਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
समझा रहे ने कलगीधर पातशाह कह रहे ने कि मैं कौन हाँ। यही काज तरा हम जन्मंग समसंदेहो साधु सब मनमम कादे वास्ते धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारन। उन्होंने अपने बचन ने जड़ा ऐसा है जिदा स्वरूप ऐसा है उस दे बोलां ते सानू शंका हो रही है, उस दी कृति ते सानू शंका हो रही है। ये साड़ी बुद्धि दी पकड़ तो परे दी गल है, उत्थे साड़ी बुद्धि पहुंचती नहीं। जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ओ प्रभु है ओ धन बाबा श्री चंद्र जी महाराज हन। श्री चंद्र उन्हां दा नां है श्री चंद्र। अब श्री चंद्र दी जो आपस में संबंध है बड़ा गहरा है। बड़े महापुरखों ने आप जी नूं अजे बचन सुनाने आ, जदों आपां एते विचार करांगे ना श्री चंद्र की है, फिर सारी शंका समाधान निकल जाएगी। श्री क्या है? श्री है माया, ते चंद्र कौन है? प्रकाश। श्री जड़ है, चंद्र चेतन है। श्री जड़ है, चंद्र चेतन है। जेड़ी जड़ है पसारा सारा तमाशा जड़ दा है, पर ओ जेड़ी माया ए तमाशा दिखा रही है उहदे पिछे सत्ता केड़ी है? चेतन दी। ए सारा पसारा श्री है, ते इस सारे पसारे दा प्रकाश कौन है? चंद्र। ओ सन धन बाबा श्री चंद्र जी महाराज। इस करके आपां सारे ही जिवें दस्या महापुरखां भी श्रद्धा रखिए भावना रखिए ता आपां उहनां दी जो महिमा है वडियाई है सरूप है उस नूं पछाण सकदे हां। तां ही आपां सारे जिहड़े बैठे हां ना इस कायनात दे अंदर जो प्रभु विराजमान है उस नूं याद करके अनुभव करके फिर सारिआं सभै घट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोले रहे उस नूं समझ सकदे हां। इन्नियां ही बेनतियां प्रवान करनियां होईआं भुल्लां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद सत्कारयोग संत दर्शन सिंह जी शास्त्री काशी बनारस वाले जिन्हां ने बाबा श्री चंद साहब जी दे जीवन परथाए ते किन्ने सोहणे अर्थ बाबा श्री चंद साहब जी दे पवित्र नाम दे कीते। सो महापुरखां वल्लों समूह संगतां वल्लों शास्त्री जी होना दा बहुत बहुत धन्यवाद। हुण महापुरखां वल्लों शास्त्री जी होना दा महापुरखां दा सन्मान किया जाएगा गुरु घर दी बख्शी सरपाओ दे नाल। बोले सो निहाल ते हजूर साहब की धरती तो जथेदार बाबा कुलवंत सिंह जी होरां ने भी महापुरखों का सत्कार भेजा है। सो हुण महापुरखों का सत्कार किया जाएगा। शास्त्री जी होरां नूं बेनती है कि वह महापुरखों का सन्मान करन। सत श्री अकाल। हुण बेनती है जी